गुड मॉर्निंग और जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि डेली हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए, डेली रूटीन के ऊपर हम बात चल कर रहे हैं पिछले दो हफ्ते से, और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि डेली रूटीन हम मॉर्निंग से अभी तक हम लंच तक पहुंचे हैं कि लंच हमारा क्या होना चाहिए। हमने जो अभी तक बताया उसमें कि आपका सुबह सबसे पहले पेट साफ होना चाहिए, अगर पेट साफ नहीं होता है तो आपने जो नेचुरल लाइफस्टाइल का अहिंसक जो नॉन वायलेंट एनीमा है उसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट जो ड्रिंक बताया कि वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर आपको बताया कि आपने या तो पेठे का जूस लेना है या नारियल पानी लेना है, दोनों नहीं है तो आपने किसी भी वेजिटेबल सूप, वेजिटेबल जूस नहीं है तो फिर आपने फ्रूट जूस। ये हमारा फर्स्ट ड्रिंक हुआ। उसके बाद फिर आपको जब 2 घंटे के बाद अगर आपको भूख लगती है तो उस कंडीशन में आप किसी भी फ्रेश फ्रूट्स के ऊपर जाएंगे जो आपके रीजन के अंदर, जो फ्रेश फ्रूट्स उस टाइम जिस चीज का सीजन है पेट भर और प्लेट भर आप लेंगे। ये आपका 10 बजे तक का हुआ। उसके बाद अब आपको फिर से भूख लगेगी। अब जब आपको फिर से भूख लगेगी आपको करीबन 1 बजे 1.5 बजे के आसपास जब आपका लंच टाइम होगा तो आपने क्या लेना। अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो लोग, अगर किसी को कोई भी रोग है, बात को समझिएगा, कोई भी रोग है तो हम अभी जो रूटीन दे रहे हैं हम उन लोगों को दे रहे हैं कि अगर आपके शरीर में कोई भी रोग है अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो 101%, मैं ये नहीं कहता 100%, 101% आपकी कोई भी डिजीज है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। टाइम लगेगा लेकिन ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। डिजीज कुछ भी है तो आपने सबने इसको फॉलो करना है। कुछ लोग अभी उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन उन प्रॉब्लम्स को वो प्रॉब्लम मानते ही नहीं है। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है उसको वो रोग मानता ही नहीं जबकि वो रोगों की जननी है। तो आपने इस रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट करना है। एक बार स्टार्ट करके देखिए, अगर जिन लोगों को कोई भी रोग नहीं है आप वो भी स्टार्ट करके देखिए, और उसके बाद अपने एनर्जी लेवल को देखिए। आपका एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाएगा, आप इतना अच्छा फील करेंगे। अगर कोई व्यक्ति 60 साल का है तो वो ये फील करेगा कि वो 20 साल की उम्र में जितनी उसके शरीर के अंदर एनर्जी थी वही एनर्जी उसके शरीर में वापस आ गई, वो उतना ही अच्छा फील करना स्टार्ट कर दे। लेकिन करके देखिए। अब लंच के अंदर आपको हम जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं ग्रीन सैलेड, कच्चे सलाद आपने ग्रीन सैलेड लेने हैं। ग्रीन सैलेड कैसे, ग्रीन सैलेड कैसे बनाएंगे? हम जो सैलेड खाते हैं, अभी हम सैलेड खाते हैं सब यही कहेंगे कि हम तो सैलेड खाते हैं, लेकिन क्या हम सैलेड खाते हैं? नहीं खाते हैं। हम सैलेड के नाम पे 2 टमाटर काटते हैं, 1 खीरा काटते हैं और उसको पूरे परिवार 4 जने 5 जने 6 जने खा रहे थे। वैसे सैलेड नहीं खाने। जो अभी आपको जो सैलेड बताए जाएंगे उस तरीके से आपने सैलेड खाने हैं। सैलेड खाने के लिए आपको पेट भर और प्लेट भर जैसे आपने फ्रूट खाए थे वैसे ही आपने सैलेड खाने कि आपको करीबन एक व्यक्ति को अगर किसी का वजन 60 किलो है तो उसको करीबन 500 से 600 ग्राम सैलेड खाने। सैलेड बनाने कैसे हैं? अभी अगर हम सैलेड की बात करते हैं तो आदमी कहेगा तो सैलेड इतनी सैलेड कौन खाएगा, कैसे खाएगा? इतनी सैलेड खाई जाएगी लेकिन उस सैलेड को बनाने का तरीका आना चाहिए हमारे को। उस सैलेड को अगर हम अच्छे तरीके से सैलेड को बनाएंगे तो आप डेफिनेटली खाएंगे। तो सैलेड बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? अभी जैसे अगर हम बात करें सीजन के जो भी आपको सैलेड के सामान मिलता है आपने वो लेना है। जैसे कच्ची सब्जियां लेनी है, जैसे खीरा, अगर आपके रीजन में इस टाइम ताजा खीरा आता है तो खीरा लीजिए। अगर खीरा नहीं आता, आई थिंक महाराष्ट्र वगैरह में उसको ककड़ी बोलते, तो विस्टम वो नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पर अगर अभी हम बात करें तो मूली आती है, मूली और गाजर, गाजर और मूली लीजिए। एक
जो हमेशा आपकी सैलेड के अंदर जो रहेगा वो रहेगा टमाटर, अच्छा लाल पका हुआ टमाटर, टमाटर आपने लेना है। दूसरी चीज जो रहेगी, जो परमानेंट आपकी सैलेड के अंदर रहेगी, वो रहेगी कच्ची नारियल गिरी। कच्ची नारियल गिरी, नारियल गिरी कौन सी वाली नारियल गिरी, जो हम भगवान को, देवी माँ को जो नारियल चढ़ाते हैं, उस नारियल को आप फोड़ते हैं, उसमें से पानी निकलता है, उसके बाद जो कच्ची व्हाइट जो नारियल गिरी निकलती है वो नारियल गिरी। कितनी लेनी है? एक व्यक्ति के लिए 1 से 1.5 बिस्किट साइज, 1 से 1.5 बिस्किट साइज जो है वो कच्ची नारियल गिरी। आपको तीसरी जो चीज परमानेंट उसके अंदर रहेगी वो रहेगा हरा धनिया। जब भी आपने सैलेड बनानी है, आप जिस भी चीज की बनानी है उसको आप पहले पानी में 1 से 1.5 घंटा उसको पानी में डिप कर दीजिए। अगर आपने गाजर और मूली की बनानी है तो गाजर और मूली को पानी में डिप कर दीजिए 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद उसको आपने बारीक बारीक काटना है, बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। जब आप मूली को खाएंगे तो मूली के साथ में कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारे को मूली की खट्टी, मूली की डकार आती है, तो मूली को डाइजेस्ट करने का जो सिस्टम दिया है भगवान ने वो उसके पत्तों के साथ दिया है। मूली जो दी है वो पत्तों के साथ दी है, तो पत्तों को भी आपने, उसके जो बिल्कुल कच्चे कच्चे पत्ते होते हैं उन पत्तों को भी उस सैलेड के अंदर आपने डालना है, काट के बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल लीजिए। उसमें मूली और गाजर को बिल्कुल बारीक काट लीजिए। कभी आप मूली और गाजर की डिफरेंट अलग भी ले सकते हैं। उसके साथ में एक व्यक्ति के लिए 2 टमाटर, टमाटर अगर देसी वाला, अगर आपको टमाटर मिलता है, एक बॉम्बे वाला टमाटर आता है, एक देसी वाला टमाटर आता है, अगर देसी वाला अगर आपको टमाटर मिलता है तो आपने वो टमाटर लेना है, उसको बारीक बारीक काटिए, उसके ऊपर हरा धनिया काटिए थोड़ा सा, और उसके ऊपर आपको जो नारियल गिरी बताइए उसको कद्दूकस कर दीजिए। ये आपकी जो सैलेड है वो तैयार हो जाएगी। इस सैलेड को आपने बिना कोई नमक मिर्च मसाला नींबू डाले हुए आपने चबा चबा के खाना है। बात को समझिएगा, आपने इसको बिल्कुल चबा चबा के खाना है। इस सैलेड को खाने में आपको, इस एक प्लेट सैलेड को खाने के लिए आपको 20 मिनट से लेके आधा घंटा लगेगा। तो आपने इसको सैलेड को चबा चबा के जब आप खाएंगे तो आपको पेट अच्छे से भर जाएगा। आपने खीरा और टमाटर, खीरा मूली जो भी है आपने उसका छिलका नहीं उतारना। अभी तक हम क्या करते हैं कि जो खीरा है उसका छिलका उतार देते हैं, उसमें खाली पानी पानी बचता। जो हमारे सब्जियां हैं आपने उसको छिलके समेत काटना है, छिलका उतार के नहीं खाना। इसीलिए आपको कहा गया था कि उसको पानी में डिप कर देना है, अगर उससे ऊपर कुछ भी लगा उसको रनिंग वाटर में काटने से पहले पहले उसको अच्छे से रनिंग वाटर में वॉश कर लीजिए। अगर फिर भी उसके कुछ आपको लगता है कि उस पर से कुछ उतारना है तो बिल्कुल हल्के हाथ से, चाकू से ऐसे ऐसे करके उतारना है। अपने जो पिलर होता है, पिलर से ऐसे छीलना नहीं है ऊपर से उसको, सिर्फ उसको चाकू से ऊपर से हल्के हल्के, अगर उसके जो रोए आपने उतारने हैं वो आप उतार दीजिए। तो इस तरीके से आपने उस सैलेड को बनाना है। इसके अंदर आप स्वाद के लिए और न्यूट्रिशन के लिए भी आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। जैसे जैसे सीजन बदलता है वैसे वैसे चीजें बदलती जाएंगी। इसके अंदर आप थोड़ा सा, बिल्कुल कम मात्रा के अंदर बीट रूट डाल सकते हो, जो चुकंदर है आप वो डाल सकते हो। अभी जो आ रही है वो पत्ता गोभी आ रही है। पत्ता गोभी, कुछ लोगों को डर लग सकता है कि पत्ता गोभी में कीड़ा होता है, लेकिन जो सीजन की पत्ता गोभी होती है आप वो ले सकते हो। सीजन की पत्ता गोभी में कोई दिक्कत नहीं है। जो बिना सीजन के जो पत्ता गोभी आती है आपने वो नहीं लेनी। बिना सीजन की कोई भी सब्जी की आपने सैलेड बना के नहीं खानी। जिस चीज का जब सीजन है तब आपने वो लेनी है। उसमें आप पत्ता गोभी डाल सकते हो, आप उसके अंदर गोभी डाल सकते हो, जो फूल गोभी होती है वो भी आप उसके अंदर थोड़ी मात्रा में डाल सकते हो, आप उसमें शिमला मिर्च डाल सकते हो। तो आपका क्या होगा कि डेली आपकी जो सैलेड है उसका स्वाद बदल जाएगा।
डेली आप उसके अंदर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाल के, और जो ये सैलेड तैयार होगी वो बिल्कुल कलरफुल सैलेड तैयार हो जाएगी। तो ये आपने सैलेड तैयार करनी है और इस तरीके से लेनी है। अब इस सैलेड से होगा क्या, आपको जो डाइट बताई जाती है ये आपकी एक तरीके से आपको ये न्यूट्रिशनल भी है और आपकी क्लिंजिंग भी करेगी। आपकी बॉडी के अंदर जितनी क्लिंजिंग का काम है वो ये सारी डाइट करेगी। जिन लोगों का वजन ज्यादा है आप लेना स्टार्ट कीजिए और फिर उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे को कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट हमारा क्लियर नहीं रहता, तो वो जो लोग हैं उस आप इस सैलेड को लेना स्टार्ट कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपका पेट कैसे साफ होना स्टार्ट होता है। पत्ता गोभी जो है अभी जो सर्दियों के अंदर जो आती है नवंबर से लेके जनवरी फरवरी तक, वो पत्ता गोभी आप ले सकते हैं। वो सीजन होता है पत्ता गोभी का, उसमें आप आराम से ले सकते हैं। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इस सैलेड को लेने में हमारे से सैलेड नहीं खाई जाती, हम क्या करें, क्योंकि हमारे दांतों के अंदर फंस जाती है, हमारे दांत नहीं है। तो वो लोग, ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं कि आप इसको जो है बिल्कुल मिक्सी के अंदर चला के पीस के और फिर ले सकते हैं। तो नारियल गिरी, आई थिंक कि नीलेश जी बता पाएंगे कि महाराष्ट्र में इसको नारियल गिरी को क्या बोलते हैं। खोपरा शायद होता है, खोपरा जो कच्चा खोपरा जो है वो आप ले राइट, सकते। खोबरा नहीं नारल, नारल मराठी में उसको, महाराष्ट्र में नारल बोलते हैं। तो वो नहीं आप ले खोबरा सकते, खोबरा बरार बोल रहे हो, रॉ कोकोनट। कोकोनट तो आपने ये सैलेड लेनी है। इस सैलेड में किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो आप बताइए, फिर हम आगे चलते। सर। इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज किए रहते हैं, तो क्या उसका असर? इसीलिए मैंने बताया कि आपने उसको 1 से 1.5 घंटा पानी के अंदर डिप करके रखना है। तो ओके ओके आप जो पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं वो उसके अंदर कुछ हद तक कम हो जाएंगे। उसके बाद आपने उसको अच्छे से वॉश, रनिंग वाटर में भी वॉश किया, लेकिन काटने के बाद कभी भी किसी भी सब्जी को, जब आपने एक बार काट लिया, चाहे आप सब्जी बना रहे हैं उसके लिए आपने किसी भी सब्जी को या सैलेड बना रहे हैं, कभी भी काटने के बाद, छिलका उतार के या काटने के बाद आपने उसको पानी के अंदर वॉश नहीं करना। जो कुछ अगर आपने सब्जियां, जैसे हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं कि पहले सब्जी को काट लेती हैं, उसके बाद उसको पानी में कई कुछ देर डाल के रखेंगी, फिर उसको वॉश करेंगी, फिर उसके बाद उस सब्जी को बनाते हैं। आप ये मान के चलिए कि अब आप उसके अंदर कुछ नहीं बचा। जो कुछ उसके अंदर अच्छी चीजें थी आपने उसको पानी में बहा दिया। तो इस तरीके से सब्जियों को नहीं काट के बनाना है। आपने जो भी धोना है उसको काटने से पहले धोना है, काटने के बाद नहीं धोना। और पेस्टिसाइड्स सर की हम बात करते हैं सॉल्ट कि नहीं पेस्टिसाइड, चलेगा, सॉल्ट नहीं चलेगा, सेंधा मिर्च कैसा भी नहीं चलेगा। नमक क्या करता है आप देखिए, नमक क्या करता है, अब हम इसी के ऊपर बात आते हैं कि जैसे ही आप उसके ऊपर नमक डालेंगे, नमक डालने के बाद क्या करता है, वो सैलेड पानी छोड़ देता है। बिल्कुल उसका जितना वो था सारे का सारा पानी निकल गया। अब पानी निकलने के बाद उसके अंदर क्या बचा, सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू जो थी वो उसकी खत्म हो गई, पानी उसका बाहर हो गया। आप सिर्फ रसा रसल वो उसके अंदर जो फाइबर जो बचा आप वो ले रहे हो। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हम वो पानी भी तो पी जाते हैं, वो भी तो हमारे शरीर में गया। आप एक व्यक्ति को लीजिए, उसका खून निकाल दीजिए, खून निकालने के बाद आप कहेंगे कि हमने उसको अलग खा लिया और खून को अलग से पी लेंगे, गया तो हमारे शरीर में, या उसी व्यक्ति को पिला देंगे, तो क्या उस व्यक्ति के अंदर जान वापस आ जाएगी, नहीं आएगी ना। तो उसी तरीके से आपने जो नमक जो आपने डाल के खाएंगे आप, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई है, कोई फायदा नहीं करेगा। बिना नमक के खा के देखिए, वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। जो आपको नारियल, अभी जो आपको खोपरा बताया है, जो रॉ कोकोनट उसके अंदर डाल के बताया जा रहा है, धनिया डाल के जो बताया जा रहा है, उस तरीके से जब आप लेंगे
तो वो बहुत ही टेस्टी हो जाने वाला है। अभी तक जो हमारा रिलेशनशिप है ना उसके साथ, वो रिलेशनशिप हमने खराब कर रखा है, उसको हम अच्छा रिलेशनशिप मानते ही नहीं है। उसके साथ रिलेशनशिप सुधार के तो देखिए, उसके साथ एक बार रिलेशनशिप बना के देखिए उस सैलेड के साथ। आप हम बिना खाए हम उसको कह लेते हैं वो टेस्टी नहीं होगा, और उसके बाद जब हम मन के अंदर एक चीज ये बिठा लेते हैं कि वो टेस्टी नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो टेस्टी नहीं होगा। आप जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप एक बार उस सैलेड को काटिए, उस तरीके से उसको प्लेट के अंदर प्रेजेंट कीजिए, और उसके बाद अगर आपका मन ना करे कि इसको खाना है, फिर आप बताइए कि आपका मन अपने आप उसको खाने के लिए ललचाएगा। वो इतनी कलरफुल सैलेड तैयार होगी ना, आप कहेंगे कि ऐसी सैलेड मैंने कभी नहीं खाई। सर लेमन यूज कर सकते हैं? नहीं करना लेमन को कभी भी आप सब्जियों के साथ या उसके साथ यूज नहीं करेंगे। लेमन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लेमन को आप हमेशा अलग से लेंगे। जब भी आप लेमन लेने की इच्छा होती है आपकी, आप लेमन को अलग से पानी में डालिए, और उसके बाद अलग से उसका नींबू पानी बना के लीजिए ना। आप सैलेड के साथ क्यों लेते हैं? डॉक्टर साहब, जो भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, दे कैन मेक फूड इन द मॉर्निंग सलाड, हॉस्पिटल ऑफिस में जो काम करते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, अगर वो सैलेड को अगर मॉर्निंग में बना के अगर शाम तक या दोपहर तक रखेंगे, तो उसके जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए वो एक ही चीज है कि या तो वो उसको साबुत लेके जाए और वहीं पे काटे और वहीं पे अपना खाए। तो यही एक जेंट्स को तरीका रात को है नहीं खाना जो चाहिए, काम जेंट्स को रात को नहीं खाना चाहिए, लेडीज को तो काफी टाइम है दिन को, जेंट्स को तो नहीं, टाइम ही दिन नहीं है, सैलेड अगर आप दिन को खाएंगे तो ज्यादा फायदा करेगी। और उनको इतना टाइम नहीं है ना इतना चपाती चबा के बिल्कुल बाकी टाइम खाने। रहता है। अगर उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे, अभी आप खाना स्टार्ट करके देखिए ना, पहले आप अपने ऊपर ही अप्लाई करके देखिए। जेंट्स के लिए हाँ हम देखेंगे कि कैसे उनको खिलाना है, उनको भी खिलाएंगे। अभी आप रूटीन को पूरी, जो हम डेली की जो एक नॉर्मल रूटीन है अभी हम उस पर बात कर रहे हैं, हम उसके अंदर भी चेंज करने के लिए आपको ऑप्शंस देंगे कि आप उसके अंदर क्या चेंजेस कर सकते हो। ये आपका लंच हो गया, उसके बाद आपको फिर से 4 बजे 5 बजे के आसपास भूख लगेगी, कुछ लेने की इच्छा होगी, स्नैक टाइम होगा। स्नैक्स टाइम नहीं, स्नैक टाइम, जब हम चाय लेते हैं, हम कॉफी लेते हैं, हम बिस्किट्स लेते हैं, वो स्नैक स्नैक्स टाइम होता है, लेकिन वो स्नैक्स टाइम नहीं होता, वो स्नैक टाइम होता है, वो काटते हैं हम, बहुत जहरीला होता है, तो आपने वो नहीं लेना। तो आपने उस टाइम क्या लेना है, अगर आपने सुबह अगर नारियल पानी लिया था, तो आप शाम के टाइम आप पेठे का जूस ले सकते हो। सुबह पेठे का जूस लिया था, शाम को नारियल पानी ले सकते हो। आप इनमें से दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हो। आप सब्जियों का सूप बना के ले सकते हो, लेकिन सूप जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स का आपने अपने खुद बनाना है। तो इसमें से कोई ना कोई एक चीज आप फिर से ले सकते हो। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है और आपको भूख लगी हुई है, तो आप फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हो। तो इनमें ये आपका शाम का टाइम की आपकी जो है वो इवनिंग स्नैक्स के टाइम का हो गया। अब बात बचेगी हमारी कि रात को हमने खाने में क्या लेना है, तो उसमें हम नेक्स्ट मंडे हम बात करेंगे कि आपने जो सब्जियां और चपाती बनानी है वो किस तरीके से बनानी है। वो आपको अभी तक जिस तरीके से बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट आपको सब्जी और चपाती बनानी बताई जाएगी, और वो बहुत ही अल्टीमेट रहने वाली है। और उस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाने वाली। एक खास चीज जो ध्यान रखने वाली है आपने सैलेड के अंदर, उसके अंदर कुछ भी करके आप रॉ जो है ग्रीन लीव्स जो है वो 50 से 100 ग्राम के बीच में, वो आपने डेली सैलेड के अंदर कोई ना कोई ग्रीन लीफ जरूर डालना है। ग्रीन लीफ के अंदर आप पालक ले सकते हो, स्पिंच जो है वो आप काट सकते हो, सेलरी जो आती है, सलाद पत्ता जो आता है वो आप उसके अंदर बारीक बारीक काट सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मूली के जो पत्ते हैं वो भी ग्रीन लीफ का काम करेंगे, वो भी आप काट सकते हो। तो कोई भी एक ग्रीन लीफ जो है वो 50 to 100 ग्राम के बीच में वो जरूर उसके साथ में काट। प्याज का एक बताइए, प्याज खाना चाहिए?
प्याज नहीं खाटके नहीं खाने उसके साथ में, सैलेड में नहीं खाने। क्यों नहीं खानी वो हम आगे बात करेंगे। सर नो चपाती इन द लंच। आप सिर्फ इसी से पेट एक बार भर के देखिए ना, बिना चपाती के आप चला के देखिए, जिंदगी बदल जाने वाली है। ये सैलेड नहीं है, ये जिंदगी बदलने की चीज है। जो अभी तक मैंने आपको रूटीन बताई है, अगर आपने उतनी रूटीन भी अगर फॉलो कर ली, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना कह सकता हूं, आपके रोग कोई भी है, आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए, आप हमारे जो वीडियोज हैं एनएलएस के, अलग अलग चीज के ऊपर अलग अलग वीडियोज हमारे हैं यूट्यूब के ऊपर, आप उनको देखिए। सब नेचुरल लाइफस्टाइल मोहन गुप्ता आप टाइप कीजिए, और उसके ऊपर जब आप एक चीज का वीडियो देखेंगे, आपको 10 चीज के वीडियो मिलेंगे, लोगों के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। आप उनको देखना स्टार्ट कीजिए ना, एक बार आप देखेंगे और फिर आप अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव देखिए, क्या बदलाव आ जाने वाला है। राइट राइट। तो दही भी नहीं ले सकते लंच में? नहीं लेना। जब तक आपके शरीर में कोई भी रोग है, जब तब तक आप जो आपको रूटीन बताई जा रही है सब फॉलो करके। सर अंकुरित चीजें? अंकुरित डाल सकते हैं, लेकिन जिन जो लोग रोगी नहीं है वो अंकुरित ले सकते हैं। उसके अंदर कुछ मूंग और जो है मूंग को डाला जा सकता है अंकुरित करके। उसके अंदर जो लोग रोगी नहीं है वो उसके अंदर कुछ नट्स डाल सकते हैं, कुछ जो चार तरीके के जो बीज रहते हैं वो आप डाल सकते हैं। सीड्स जो श्रीनिवासन गुप्ता जी ने भी बताए थे, वो सीड्स को आप रात को भिगो के और सैलेड के साथ में वो ले सकते हैं। लेकिन जब तक आपके रोग है तब तक आप उसको भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए ना, कुछ दिन के लिए। राजकुमार जी, थैंक यू। नीलेश जी सॉरी हम 4 मिनट आगे चले गए। नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच।